अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर के विकास ठाकुर ने देश में मनवाया लोहा। वेटलिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में पहला स्थान हासिल कर हमीरपुर जिला का नाम रोशन किया है। वहीं विकास ठाकुर के पैतृक गांव बटनौर में खुशी का माहौल बना हुआ है। बेटे विकास ठाकुर की एक और उपलब्धि पर पिता ब्रिजलाल ठाकुर ने भी खुशी जाहिर की है और बताया कि कोलकाता में चल रही प्रतिस्पर्धा ने 346 किलो बार उठाकर पहला स्थान हासिल कर विजेता बना है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के गांव पटनौर के विकास ठाकुर ने सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर देश में हमीरपुर जिला का नाम रोशन किया है। कोलकाता में 2 फरवरी से चल रही सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में विकास ठाकुर ने 346 किलो वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया है। विकास ठाकुर 7वीं बार नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियन बना है, जिसको लेकर विकास ठाकुर के पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। वहीं विकास ठाकुर के पिता ब्रिजलाल ठाकुर ने बेटे की इस उपलब्धि के लिए खुशी जाहिर की है। पिता के साथ साथ ग्रामीणों ने विकास को बधाई दी है। कोलकाता में 2 से 7 फरवरी तक चल रही सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जिला हमीरपुर के पटनौर निवासी विकास ठाकुर ने नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल कर हमीरपुर और प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में 7वीं बार नेशनल चैंपियन बने हैं। बता दें कि विकास ठाकुर ने इससे पहले 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, 2018 में ब्राउन मेडल और एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं विकास ठाकुर 7वीं बार वेट लिफ्टिंग में नेशनल चैंपियन बने हैं, जिसको लेकर विकास के पैतृक गांव पटनौर में खुशी का माहौल है। वहीं विकास के परिजनों सहित ग्रामीणों ने भी विकास ठाकुर को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा, जब भी विकास ठाकुर अपने गाँव में पहुँचेंगे तो ग्रामीणों द्वारा विकास का भव्य स्वागत किया जाएगा। आज कोलकाता में राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें विकास ठाकुर जो हैं वो पहले स्थान पर देश में रहे हैं और लगातार 7वीं बार उन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाई। विकास ठाकुर पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देश के लिए सिल्वर मेडल ला चुके हैं और आगे भी इनसे यही उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इसी तरह वेट लिफ्टिंग में अपने गांव और देश और प्रदेश का नाम जो रोशन करते रहेंगे। जब भी ये वापस गांव आएंगे तो इनका भव्य स्वागत किया जाएगा। विकास के पिता ब्रिजलाल ठाकुर ने बेटे की इस उपलब्धि पर खुशी जताई और कहा कि इससे पहले भी विकास ने कई प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेकर इनाम हासिल किया है, जिस पर उन्हें गर्व है। चैंपियनशिप जो कि कोलकाता में हो रही है, 2 तारीख से 7 फरवरी तक चलेगी। आज मेरे बेटे विकास ठाकुर जो कि 96 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, 346 केजी वेट उठा करके 7वीं बार नेशनल चैंपियन बना। आज मैं और मेरा परिवार उनकी इस उपलब्धि के ऊपर बहुत खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। विकास ठाकुर ने कई बार ऐसे मौके दिए, जैसे कि 2014 में कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल, 2018 में ब्रॉन्ज मेडल और इसके अलावा कई कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, एशियन चैंपियनशिप में मेडल देश के लिए ला चुके हैं। मैं परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि आने वाले समय में विकास जी के ऊपर अपना आशीर्वाद रखें ताकि देश के लिए और भी मेडल आते रहें। वहीं पटनौर गांव के प्रधान ने कहा कि विकास ठाकुर एक छोटे से गांव पटनौर के रहने वाले हैं, जो कि 7वीं बार वेट लिफ्टिंग प्रतिस्पर्धा में 7वीं बार नेशनल चैंपियन बने हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से उनके पैतृक गांव पटनौर में खुशी का माहौल है और उन्होंने इस उपलक्ष्य पर विकास ठाकुर को बधाई दी। विकास ठाकुर जो कि 7वीं बार नेशनल चैंपियन बने, वो छोटे से गांव पटनौर पंचायत से संबंध रखते हैं, वह हिमाचल हमीरपुर जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। उनकी 7वीं बार नेशनल चैंपियन बनने के लिए पटनौर पंचायत की तरफ से व ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।